महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए एक बात जानना परम आवश्यक है कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं ही करते हैं। यहाँ पर यदि महाराज जी के किसी छवि चित्र को देखकर आपके मन में आकर्षण पैदा हो रहा है, महाराज जी के दर्शन करने का मन कर रहा है, या किसी भी प्रकार से आप महाराज जी की बातें सुन रहे हैं, महाराज जी की चर्चाओं में संलग्न हैं, यहाँ तक कि महाराज जी के सभी जितने भी बताई गई शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करने का आप निश्चय कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपकी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं होती हैं। महाराज जी स्वयं एक बात कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हम अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं ही करते हैं, और जो कुछ भी इस दौरान होता है वो सारा आकर्षण, वो सारा प्रेम, वो सारी योजनाएं भी महाराज जी नियत करते हैं। इसीलिए अगर आपके इर्द गिर्द महाराज जी की चर्चा भी चल रही है, जो आप श्रवण कर पा रहे हैं, आपके कानों में पड़ रही है, ये भी महाराज जी का ही चमत्कार है। क्योंकि आप देखिए, इस संसार में असंख्य लोगों की भीड़ है, उन असंख्य लोगों में से भी महाराज जी ने यदि आपको चुना है, आप महाराज जी की चर्चाओं में बहुत ही अच्छे अनुभव कर पा रहे हैं, महाराज जी के धामों के दर्शन करना चाहते हैं, महाराज जी से प्रेम करते हैं, तो ये आपके भाग्यवर्धन के लिए ही हुआ है। महाराज जी चाहते हैं कि आपके जीवन में नए नए चमत्कार हों, महाराज जी चाहते हैं आपके जीवन का विकास हो, ईश्वर की मुख्य शक्तियों को आप समझें, आध्यात्म क्या है इसको जानें, ये सब कुछ महाराज जी की मर्जी से होता है। तो इसीलिए अगर आप भी महाराज जी की चर्चाओं में बहुत ही रुचि लेने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय अब जीवन में प्रारंभ होने वाला है। आप ये मत समझिए कि महाराज जी से आप मिलना चाह रहे हैं, बल्कि आप यूं समझिए कि महाराज जी भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप महाराज जी से कर रहे हैं। और एक बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही चमत्कारिक स्वरूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी ने यदि आपका चुनाव किया है तो किस पर्याय के लिए किया है, किस उद्देश्य के लिए किया है। महाराज जी एक बात कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में जितने भी लोग हैं, भिन्न तो लगते हैं लेकिन ये भिन्न है नहीं, क्योंकि हम सभी एक ही शक्ति के अंश हैं। महाराज जी यही अपनी शिक्षाओं में समझाते हैं कि आप स्वरूप में भेद मत करिए, और इतनी बड़ी समझ आप में कहां से आएगी, ये सारी समझ महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपको आएगी। आपका जो दृष्टिकोण है, इस संसार को देखने का नजरिया है, वो तक परिवर्तित हो जाएगा, तो बहुत से चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यदि आप अभी महाराज जी के अनुभव कर पा रहे हैं। आपके लिए सब कुछ नया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे की बात बता दूं कि आपके जीवन में बहुत कुछ घटित होगा जो कि आज तक अभी तक आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने बड़े रहस्य की चीजें आपके साथ घटित होंगी। धीरे धीरे ये जो प्रेम है जो महाराज जी से आप करते हैं, ये प्रेम धीरे धीरे अगाध हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप महाराज जी को इस कदर पुकारेंगे कि महाराज जी या तो हमें दर्शन दे दीजिए या फिर इस संसार से विदा दिला दीजिए। इतना प्रेम आप महाराज जी से करने लगेंगे। तो ये समय समय की बात है, जैसे जैसे ये घनिष्ठता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके जीवन में अच्छे स्वरूप की घटनाएं हैं वो भी धीरे धीरे आपकी ओर आना प्रारंभ करेंगी। देखिए, बात आती है कि यदि आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस प्रेम को कैसे स्थिर रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बताते हैं अपने अनुभव कि महाराज जी से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सोची हैं लेकिन वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाई हैं। देखिए, इस प्रश्न का सबसे बड़ा प्रत्युत्तर मैं आपको बताता हूँ कि महाराज जी की एक शिक्षा है, महाराज जी की एक ऐसी बात है जो आपकी इसमें बहुत सहायता करने वाली है। महाराज जी कहते हैं कि इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे अनन्य भक्त को कब, क्या, कितना और किस समय में देना है। ये सब कुछ महाराज जी ने आपके लिए सोच के पहले से ही निश्चित किया हुआ है कि कब आपको क्या प्रदान करना है। तो यूं मान लीजिए कि जिस प्रकार से बहुत ही तीव्र वेग है धूप का, और ऐसे में किसी मुसाफिर को यदि किसी तरोवर की छाया मिल जाती है तो उस समय जितना सुकून मिलता है, उस समय जो धन्यवाद की प्रवृत्ति बनती है, ऐसा ही सुख महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको मिलता है। क्योंकि अभी तक आपका जो जीवन था
वो एक ऐसे मार्ग से होकर गुजर रहा था जहां पर आपको बताने वाला कोई नहीं था कि ये मार्ग कहां तक आपको लेकर जाएगा या इस मार्ग में आगे चलकर आपको आपकी मंजिल मिलेगी या नहीं। लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको एक ऐसे सच्चे और एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन मिलता है जो कि आपको पग पग पर ये बताते चलते हैं कि इस मार्ग पर आपकी मंजिल है, ये मार्ग सही है या नहीं है, या आपको किस तरह से इस जीवन को देखना चाहिए। आप स्वयं सोचिए कि जब आपके जीवन में आपको हर बात पर, छोटी बड़ी बात पर मार्गदर्शक मिल जाए और आपको सच्चा मार्गदर्शन बताने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा। और महाराज जी से जुड़ने के बाद एक सबसे बड़ा परिवर्तन अनन्य भक्तों के जीवन में क्या आता है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके अंतर मन में जो कौशल छुपा होता है, इसको इस प्रकार से समझिए और आसान हो जाएगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का कौशल होता है जिसे उस व्यक्ति को पहचानना होता है, क्योंकि उस कार्य को, उस कौशल से आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और महाराज जी आपके जीवन में उसी कौशल को उभार कर आपको बता देते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य आपका सबसे अच्छा केवल और केवल आप कर सकते हैं संपूर्ण संसार में। तो आप सोचिए कि क्या जीवन में सफलता के मायने नहीं बदल जाएंगे आपके लिए अगर आपको ये कोई बता दे कि ये कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हो। तो महाराज जी से जुड़ने के बाद यही सबसे अद्भुत होता है कि महाराज जी आपको एक प्रकार से दर्पण दिखा देते हैं कि ये आपका सच्चा स्वरूप है, ये आपका असली स्वरूप है जो आप हो। तो उस प्रकार से आप स्वयं को फिर पहचानने लग जाते हैं और आपके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार महाराज जी करते हैं और ये तो अभी शुरुआत ही है। जितना कहा जाए, जितना मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये वर्णन यदि अनेकों असंख्य मुखों से भी कहा जाए तो महाराज जी के वर्णन समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में यदि किसी के भी एक सच्चा और एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक गुरु जुड़ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जीवन तो निसंदेह बहुत ही अद्भुत हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।